स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। जब से थाना गांव थाने में नवागत थाना अध्यक्ष आए हैं, तब से थाना इलाके में लकड़कट्टों के हौसले बुलंदियों पर हैं। आए दिन इलाके में कहीं ना कहीं प्रतिबंधित पेड़ों पर आरे चल रहे हैं। दिन हो या रात, लकड़कट्टे बेखौफ थाना इलाकों में प्रतिबंधित पेड़ों पर आरे चला रहे हैं। संबंधित अधिकारी भी लकड़कट्टों को कानूनी प्रक्रिया से बचाने की भरपूर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला महमूदाबाद वन क्षेत्र के थाना थानगांव इलाके के बरियापुर गांव का है, जहां के रहने वाले चंद्रसेन पुत्र भगवती निवासी बरियापुर थाना थानगांव ने अपने बाग में लगे आम के पेड़ों को बेचा था। ठेकेदारों ने 10 पेड़ों का परमिट बनवाया, जबकि बाग में कुल 22 पेड़ मौजूद थे। यही संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से पहले तो ठेकेदार ने परमिट के 10 पेड़ों को दिन के उजाले में काट डाला। उसके बाद जिम्मेदारों के बताए रास्ते पर चलते हुए ठेकेदारों ने 10 पेड़ों की जड़ों को जेसीबी से खोदकर गड्ढों को समतल कर दिया, जिससे यह न लगे कि यहां पर कोई पेड़ पहले से था। और उसके बाद रात को 6 और आम के पेड़ जो बिना परमिट के थे उनको भी ठेकेदारों ने काट डाला। कुल मिलाकर 10 पेड़ों का परमिट होने के बावजूद 16 पेड़ों को ठेकेदारों ने काट डाला है। जबकि मामले का दूसरा पहलू यह है कि जिस जमीन पर आम के पेड़ लगे थे उसका गाटा संख्या 1003 व 1004 है। जमीन महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत आती है। जमीन के दूसरे हिस्सेदार विनोद पुत्र सेवादास निवासी बरियापुर थाना थानगांव का कहना है कि जमीन के हिस्से बंटवारे के बाद न्यायालय में चल रहा है, इसके बावजूद पेड़ों को काट डाला गया। हम थानगांव थाने में भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही मुश्तरका जमीन होने के कारण पेड़ों के काटने के परमिट बनाने में हमारी सहमति ली गई। इस बाबत वन रेंजर महमूदाबाद बसंत कुमार ने मामले की जानकारी ना होने की बात कहते हुए मामले को दिखवाने की बात कही है। साथ ही इंस्पेक्टर थानगांव अनिल कुमार का कहना है कि मामले की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हम थाना थानगांव तहसील महमूदाबाद के रहने वाले हैं, जिसमें हमारा ज़मीन का मुकदमा महमूदाबाद तहसील में चल रहा है और हमारे विपक्षीगण आम का पेड़ जबरदस्ती कटा चुके हैं। 16 पेड़ कटे हैं, उसमें से कुछ जेसीबी से ठूठा खोद के हटा दिए हैं। हरे भरे पेड़ थे और एसडीएम साहब के यहाँ से मुकदमा मतलब चल रहा है और विपक्षी लोग दबंगी से करे हैं। हम थाना थानगांव को गए थे, अप्लीकेशन भी दिए, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी दरख्वास्त है कि जो कोई हमारी मदद करना चाहे वो कर सकता है। अहिंसा फाट का हमारा मुकदमा पड़ा हुआ है, कुर्रा बंटवारा जिसे कहते हैं जी। हम थाने को गए थे फिर भी हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमसे बैनामा मांगा गया, जबकि हमारा पुरखातों का पर बाबा का पिताजी का उस पर नाम चल रहा था, खतौनी भी दिए हैं। मुकदमा की हम कापी भर लेकर गए थे। बरियारपुर गाँव के रहने वाले हैं। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।